हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था इन द कम्युनिकेशन, वो था राइटिंग रिज्यूमे और लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे रिज्यूमे रेडी करना है, ताकि आप जो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है उसको एक तरीके से अट्रैक्ट कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको। ठीक है, तो हमारा अगर रिज्यूमे प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेट पे है, तो जॉब में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जॉब रिज्यूमे स्क्रीनिंग होती है तो रिज्यूमे स्क्रीनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट को बस इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनका रिज्यूमे प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं होता, और एक जो प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए रिज्यूमे में, वो नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइंड दिस थिंग, वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, यू हैव टू प्रिपेयर यूर सीवी और रिज्यूमे इन द प्रिस्क्राइब वे ऑफ फॉर्मेट। ओके, सो यू कैन प्लेस या पर्टिकुलर पोजिशन एंड चांसेस विल बी इंक्रीज। ओके, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं और उसी के साथ रिज्यूमे अटैच करके जो भी और जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उसको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में, वो है लेटर और एप्लीकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट तरीके से होता है। अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कम्युनिकेशन, मेनी टाइम कम्युनिकेशन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्राइब लेटर्स एंड द एप्लीकेशंस। ओके, एंड दीज लेटर एंड एप्लीकेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द इफेक्टिवनेस एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट लेटर, ऑफर लेटर, तो क्या होता है इन सब का मीन। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कि जिस भी टाइप के मैं लेटर की बात करूं या एप्लीकेशन की बात करूं, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भी जो भी प्रिस्क्राइब या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, आप उसको उस लेटर के और एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसीड कर रहे हो और जो भी आपका टारगेट पर्सन है उस तक सेंड कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज आप किसी भी एक इंडिविजुअल को जॉब के लिए हायर कर रहे हो, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉर्मल कम्युनिकेशन आप करोगे, तब जाके आप फाइनली उसको उस पोजिशन पे प्लेस करोगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्या करा, उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद आपने उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर सेंड किया, ऑफर लेटर सेंड करने के बाद उसकी रिसीविंग ली, रिसीविंग लेने के बाद फिर आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में बुला रहे हो, उसके साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। तो ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें हम प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स और रिटन कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड करके चलते हैं, ताकि हम बेटर तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोसीड कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इस एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इन लेटर्स और एप्लीकेशन को यूज करते हुए फाइनली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर डिपेंड ऑन वेदर यू आर रिसीविंग और गिविंग इट। ठीक है, तो अगर आप कोई भी लेटर रिसीव कर रहे हो या फिर किसी को सेंड कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो सेंड करने का मतलब है कि भी जिस भी बंदे को आप सेंड कर रहे हो उसको आप कुछ ऑफर कर रहे हो। ठीक है, एक पोजीशन, एक पर्टिकुलर सैलरी, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक पोजीशन के लिए हायर करना चाहते हो, सो दैट्स व्हाई यू आर ऑफरिंग दैट जॉब टू देयर टारगेट ऑडियंस। ओके, सो अ बिजनेस ओनर हु सेंड एन एम्प्लॉयमेंट लेटर टू कैंडिडेट शी फील्स इज बेस्ट सुटेड फॉर द जॉब इज एंश्योरिंग दैट शी हैज अ कमिटमेंट फॉर द पर्सन। ओके, तो अगर हम किसी को ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें ऐसा फील हो रहा है कि भी ये बंदा हमारी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है। ठीक है, अगर 10 जॉब एप्लीकेंट्स हैं, तो 10 जॉब एप्लीकेंट्स में जो आपको बेस्ट लग रहा है आप उसको क्या कर रहे हो,
एम्प्लॉयमेंट लेटर सेंड कर रहे हो बिकॉज यू फील दैट कि ही एंड शी इज फिट फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन और जॉब, सो दैट्स वाई यू आर सेंडिंग अ ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट लेटर. ओके, सो अ बिजनेस ओनर who sends an employment letter to the candidate she feels is best suited for job is ensuring that she has a commitment from the person she thinks is best suited for the job. It means she has completed the selection process. And is now ready to move forward with the onboarding the new employee. Okay, so if you are a job seeker, aap ek job seeker ho who receive an offer letter, aapne koi offer letter receive kiya hai. It means ke aap jahan once you agree to terms and condition of your new job, you can probably feel comfortable tendering resignation to your current employer. ठीक है, अगर आपको कोई job offer offer letter आपको कोई send किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑफर लेटर की, या अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उसका एचआर, ठीक है, आपको कोई ऑफर लेटर सेंड कर रहा है एंड यू आर एग्री फॉर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू जॉब, तो आप क्या करते हो फिर अपने करंट एम्प्लॉयर यानी कि करंट ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन के लिए रेडी रेजिग्नेशन दे सकते हो. ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट लेटर वर्सेस ऑफर लेटर, अब ये समझेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर और ऑफर लेटर क्या होते हैं. द टर्म्स एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड ऑफर लेटर ऑफन मे बी इंटरचेंजेबल, हाउएवर देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन टू डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ कंटेंट ऑफ द ईच लेटर. ठीक है, तो दोनों के कंटेंट में क्या होता है, डिफरेंट होता है. अगर मैं किसकी ऑफर लेटर या फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर की बात कर रहा हूँ, एन एम्प्लॉयमेंट लेटर मे बी एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग दैट इट डिस्क्राइब द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पोजिशन. ओके, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, describe terms and conditions of a position. ठीक है, सो एट विल एम्प्लॉयमेंट अप्लाई टू मोस्ट जॉब मीनिंग द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय कैन सर्व द रिलेशनशिप विद विदाउट नोटिस और रीजन. मैनी एम्प्लॉयर्स इवन स्टेट द कंडीशन ऑफ एट विल एम्प्लॉयमेंट ऑन देयर एप्लीकेशन एज अ लॉन्ग एज अ कंपनी डजेंट टर्मिनेट द एम्प्लॉय फॉर द
डिस्क्रिमिनेटरी रीजंस. ओके, एन एम्प्लॉयमेंट लेटर दैट फंक्शंस एज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट एक्सप्रेस एट फाइनाइट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट से 5 years, और इट इज कुड बी इनडेफिनेट अंटिल द पार्टीज एग्री द रिलेशनशिप विल एंड. ओके, सो ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट माइट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बोनस थ्रू आउट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट लेटर में इंक्लूड होती हैं. अब ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर लेटर ऑन द अदर हैंड कुड बी अ रूटीन डॉक्यूमेंट दैट द कंपनी सेंड टू अ न्यू एम्प्लॉय हु इज नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अ रूटीन ऑफर लेटर कंटेन द पोजिशन, डिपार्टमेंट, स्टार्ट डेट, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड द जॉब ड्यूटी, सैलरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेनिफिट्स. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों को ऑफर कर रहे हो. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच एम्प्लॉयमेंट लेटर के थ्रू. ठीक है, यानी कि उसने ऑफर लेटर पहले से एक्सेप्ट कर लिया है. अब एम्प्लॉयमेंट लेटर के थ्रू वो क्या कर रहा है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है. लेकिन ऑफर लेटर में हम बात कर रहे हैं कि भी इन सब चीजों को पहले ऑफर किया जाता है, जैसे कि जॉब ड्यूटी क्या है, सैलरी क्या है, ये सब चीजें ऑफर लेटर में इंक्लूड करके जो भी कैंडिडेट है उसको भेजी जाती है. डिस्क्रिप्शन, ऑफ बेनिफिट्स, तो ये सब ऑफर किए जाते हैं. सो मैनी एम्प्लॉयर प्रोवाइड एन ऑफर एन एम्प्लॉयमेंट दैट इज कंटिजेंट अपॉन द कैंडिडेट पासिंग अ बैकग्राउंड चेक एंड दैट वुड बी स्टेटेड इन द ऑफर लेटर. ओके, सो अ रिटन ऑफर टू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट माइट इंक्लूड लैंग्वेज अबाउट द एटविल नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्रेसली स्टेट दैट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कैन एंड एनी टाइम. If the candidate agrees to the term and condition of employment, the offer of employment can reassure the candidate that she has a new job. It's wise